आप लोग सॉलिड के बारे में क्या जानते हो, बताओ, कुछ भी बताओ। रिजिडिटी। हाँ बताओ बताओ, सरस्वती बताओ, क्या जानते हो सॉलिड के बारे में? आओ आगे बढ़ते हैं, मैं ही बताता हूँ आपको। हाँ जी इंजीनियरिंग बताओ करता बताओ, कीर्ति, क्या कीर्ति बताओ। सर, जो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता सर, जो जो सॉलिड स्टेट होता है, जो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करता, मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स आस पास में रहते हैं। सर ठीक है सरस्वती, आप बताओ। रिजिडिटी। सरस्वती क्या बोल रहे हो आप? देखो चलो मैं ही बताता हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग बताना दिख रहा है कि नहीं। ये रहा हमारा सॉलिड स्टेट, ये रहा हमारा सॉलिड स्टेट, जस्ट मिनट, दिख रहा आप सबको? ठीक यस है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड गैस बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन डब्बे हैं, तीन डब्बे हैं, पहले वाले डब्बे में सॉलिड है, दूसरे वाले डब्बे में लिक्विड है, और तीसरे वाले डब्बे में गैस है। अब ध्यान देना, अच्छी बहुत अच्छी बात है, जब सॉलिड होगा तो उसके जो पार्टिकल होंगे यानी जिससे सॉलिड मिलके बना होगा वो एकदम पास पास होगा, यानी थोड़ा भी बीच में जगह नहीं होगा कि कुछ हो जाए, एकदम पास पास होगा। दिख रहा है कि आप लोग को सॉलिड के पार्टिकल कितने पास पास है? दिख रहा होगा, यस ये सॉलिड के पार्टिकल होंगे तो बहुत ही पास पास होंगे। अगर बात करें लिक्विड की तो ये थोड़ा सा दूर दूर होगा, थोड़ा सा दूर दूर होगा। अगर आप लोग इस बर्तन को उल्टा कर दोगे तो ये लिक्विड इधर चले आ जाएंगे। बात क्या है, जो सॉलिड के पार्टिकल है इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही रिजिड होता है, यानी कि यह इधर उधर खसक नहीं सकता। हम इन दो पार्टिकल के बीच में गैप भी नहीं ला सकते, जो पहले से बना हुआ वही रहेगा। लिक्विड की बात करें तो जिस आकार का ये बर्तन होगा उसी आकार का अपना शेप ले लेगा, और गैस की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इसके पार्टिकल और भी दूर दूर होते हैं। आई होप ये तीनों क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो इसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिसके मॉलिक्यूल एकदम पास पास होंगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं क्लास 11th में, इस चैप्टर के बारे में। लेकिन जो हमारा सॉलिड है आपके सीबीएसई से रिलेटेड है, आप लोग स्कूल में भी नहीं पढ़े हो ना इसको? नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, आप लोग को एक चीज और दिख रहा होगा, एक चीज और दिख रहा होगा, ये जो मॉलिक्यूल है सब पास पास है, इसका मतलब इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लग रहा है, तभी तो पास पास है। इसमें कम लग रहा है और इसमें भी कम लग रहा है, यानी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में लग रहा है। आओ कुछ इसकी बेसिक बातें पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। बेसिक बातें क्या है, पहला नंबर, सॉलिड स्टेट पार्टिकल आर नॉट एबल टू मूव, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल थे ये मूव करने के लायक नहीं होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये फिक्स होते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका जो आकार और जो वॉल्यूम होता है यानी जो साइज दिखने में और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, आप लोग सभी जानते हो। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, आप जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसका मास ज्यादा होता है, यानी कि अगर हम इतना छोटा सामान ले लें तो वो 1 किलो का भी हो सकता है और 10 ग्राम का भी हो सकता है। तो होता क्या है कि वॉल्यूम हमारे पास जो मास होगा, मास ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी सॉलिड के पास क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। अब देखो होता क्या है, सॉलिड हैव हाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट विच इज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मतलब क्या है, सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके ये गलना स्टार्ट करेगा, तब जाके मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। आप बताओ आपने कभी लोहा को पिघलते हुए देखा है? देखा है कभी? नो सर, नहीं नो देखा है एक्सपीरियंस। ना, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, आपने प्लास्टिक को पिघलते हुए देखा होगा, लोहे को जल्दी नहीं देखा होगा। मतलब कि जो सॉलिड एकदम अच्छे वाले होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, वो इतना आसानी से क्या होता है पिघलते नहीं है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है।
दे आर लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल यानी कि जो सॉलिड होगा आप इसको दबा नहीं सकते। क्या दबा किसको, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। दे सो वेरी लो डिफ्यूजन, मतलब कि जैसे कि मानो यहाँ पे हम पानी रख दिए, यहाँ पे पानी रख दिए और नीचे से एक यहाँ पे होल कर दिए तो पानी पूरा यहाँ से बाहर निकल जाता है, बोलो। लेकिन क्या हम किसी डब्बे में सॉलिड रखेंगे ऐसे सॉलिड और हम नीचे से क्या कर देंगे, होल कर देंगे, तो क्या सॉलिड बाहर निकल जाएगा? नो सर। ये बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन भी इसका जल्दी नहीं होता है, सबको कंफर्म है। ये बताओ इंटरमोलिकुलर, बिल्कुल इंटरमोलिकुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होते, सबको ये बातें कंफर्म है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग के लिए। हाँ जी में ही आएगा। देखो ये आप लोग के लिए ना नया चैप्टर है, थोड़ा सा न्यू है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी को कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग इतना सुबह उठे हो इस क्लास के लिए तो थोड़ा एक्टिव रहो, एक्टिव रहो थोड़ा सा। मैं देखता हूँ कौन कौन है, अंकिता, अनु बाला, अविनाश, जीविका। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी सॉलिड ही है। आप लोग सॉलिड लिक्विड गैस का मतलब नहीं समझ रहे हो यार, जो पानी जैसे दिखे वो लिक्विड है और गैस तो देखे ही हो, और सॉलिड मतलब क्या, वो हिले डुले नहीं, शेप उसका सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूं आप सर? हाँ जी बताओ। प्लास्टिक का शेप चेंज कर सकते हैं क्या? प्लास्टिक की तो शेप इजीली चेंज कर सकते हैं, फिर वो कैसे सॉलिड है? आप बताओ, ये मेरे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक है ना, मेरे पास प्लास्टिक की कुर्सी है, ये तो मान रहे हो ना। क्या प्लास्टिक की कुर्सी क्या शेप आप लोग इजीली चेक से कर सकते हो या फिर पिघला के कर सकते हो? इजीली कहाँ हुआ आप बताओ? आप जब तक उस पे बाहरी फोर्स नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो चेंज होगा क्या? नो सर। लिक्विड क्या है, बिना एक्सटर्नल, बिना उसको छुए आप उसका शेप चेंज कर दो, आप नीचे से होल कर दो, क्या उसका शेप नहीं चेंज हो जाएगा? यस सर। बिना उसके छुए कर सकते हो क्या? सॉलिड में से कर सकते हो बिना छुए? मुश्किल है थोड़ा, बहुत ही मुश्किल है। आई होप सबको कंफर्म हो गया होगा। अब देखो सॉलिड भी जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले हम क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है। जैसे आप बताओ, मैंने अभी बताया कि जो सॉलिड होते हैं वो कैसे मिलके बने होते हैं, ऐसे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनका एकदम कुछ ऐसे शेप होता है, होता है कि नहीं होता है? Yes. होता है। ये रहा क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होता है कि जो सॉलिड के ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल, ये सॉलिड के पार्टिकल किसी एक सिक्वेंस में होते हैं, किसी एक क्या होते हैं, सिक्वेंस में होते हैं। ये हो गया क्रिस्टलिन सॉलिड। क्या हो गया? क्रिस्टलिन सॉलिड। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, रैंडम होता है, होते तो पास ही पास है लेकिन कोई इनका वो नहीं है, शेप नहीं है, मतलब कि रैंडम होते हैं ये लोग, रैंडम होते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते हैं। ये क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है। तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड है ना, इसके यानी कि ये इनके पार्टिकल सीक्वेंस में होते हैं तो इनकी एक अलग क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। और एमॉर्फस सॉलिड है जिनके यहाँ पे जो एटम है या फिर बोल सकते हो मॉलिक्यूल है या फिर बोल सकते हो ये जो भी पार्टिकल है, ये सीक्वेंस में नहीं होते हैं। जब सीक्वेंस में नहीं होंगे तो इनकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है बातें? आओ वो प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है प्रॉपर्टी। वो लिखा हुआ क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड में कुछ प्रॉपर्टी ऐसे दी हुई है। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न इन थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का क्या मतलब है? थ्री डायमेंशनल का देखो, इसका हाइट भी होगा। जैसे मानो अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, अभी हमारे पास ये लेंथ दिख रहा है और ब्रेथ दिख रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है। लेकिन इसका हाइट भी होता है, यानी कि जो अपनी तरफ यानी मेरी तरफ ऐसे निकला होता है, उधर भी क्या होते हैं एटम, कैसे मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर सबको? ये 3D का क्या मतलब हुआ? यस सर। बिल्कुल।
जैसे कि मान लो ये हमारे लैपटॉप का क्या है, चार्जर है, चार्जर है, तो देखो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी हाइट भी है, दिख रहा है क्या? जी सर, दिख रहा है। तो ऐसे ही होता है, 3D में अरेंज होते हैं, 3D में अरेंज होते हैं। तो देखो वो अगर अगर एमॉर्फस होगा तो क्या होगा, उसका रेगुलर पैटर्न होगा, बोलो, क्लियर बात है? रेगुलर पैटर्न होगा। देखो मैं आप लोगों को कुछ चीज की प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रॉपर्टी बताता हूं मैं। अगर क्रिस्टलीन होगा तो ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल या फिर एटम होंगे या फिर ये जो पार्टिकल है ना, इसके क्या है, रेगुलर पैटर्न है, 3D में दे हैव वेल डिफाइंड जियोमेट्री पैटर्न। यानी कि अगर रेगुलर पैटर्न होगा तो हम इनका जियोमेट्री आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आप बताओ, रेगुलर पैटर्न है तो हमने बता दिया कि इसका लेंथ इतना है, इसका ब्रेथ इतना है, इसका हाइट इतना है, इसके इसके बीच एंगल इतना है। क्या हम ऐसे एमॉर्फस में बता सकते हैं जब इसका रेगुलर पैटर्न ही नहीं है? तो नहीं बता सकते। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये छोड़ो, एन आइसोट्रॉपिक मीन देखो क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। मान लो कि 105 है, मान लो एमॉर्फस का 105 है तो 105 ही होगा, 7-8 ऐसे नहीं हो सकता। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड एन आइसोट्रॉपिक नेचर, ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर अभी छोड़ दो, फिलहाल के लिए छोड़ दो, ज्यादा टाइम लग जाएगा। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स दे एक्साइबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या कि जैसे मानो हमारे पास क्या है, ये सॉलिड के पार्टिकल है ना, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे उस डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लेते हैं कि अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, यहां से यहां जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ऐसे जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। यानी जितने डायरेक्शन में जाओगे उतने डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। दे जनरली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि आप इसको दबा के पतला नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। देखो जनरल एग्जाम्पल आप क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं। डायमंड का नाम सुना है क्या आपने? Yes, sir. देखा है क्या? Yes, sir. क्वार्ट्ज का नाम सुना है आपने? ये क्या होता है? ज्यादातर वॉच वगैरह में यूज होता है, आप लोग ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। फिलहाल क्या कर लो, इसका नाम याद कर लो, रट लो, ठीक है, रट लो आप लोग। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या बोलता है, दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर अरेंज इन बिल्डिंग कॉन्स्टेंट इज नॉट रेगुलर। यानी कि जो इसके पार्टिकल होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, क्या इनका कोई पैटर्न होता है, क्या रेगुलरिटी होती है? नहीं होती है। अब देखो, दे आर रिगार्डेड एट सुपर कूल्ड लिक्विड विथ हाई विस्कोसिटी इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द मॉलिक्यूल टुगेदर आर सो ग्रेट दैट द मटेरियल बिकम्स रिगिड बट दे आर नो रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर। यानी कि जो इस टाइप के मटेरियल होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। They do not have sharp melting point. They are isotropic as they exhibit same physical property in all direction. इधर जाओगे तो भी same property, इधर जाओगे तो भी same property, इधर जाओगे तो भी same property. General example of solid are glass, rubber, plastic. समझ रहे हो मेरी बातों को? Yes, sir. ये तो नाम सबने सुना होगा ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि हाँ सबको क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि देखो सॉलिड स्टेट आप लोग पढ़े नहीं हो इसलिए मैं ज्यादा तेजी से पढ़ा नहीं सकता, मानते हो कि नहीं मेरी बातों को? बोलो सर, शॉर्ट रेंज के रिस्क क्या? शॉर्ट रेंज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है? अमॉर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हाँ, शॉर्ट रेंज यानी कि छोटा सा होते हैं, उनका रेंज ज्यादा बड़ा नहीं होता, हम बना भी नहीं सकते ज्यादा बड़ा। आप बताओ, आप एक घर बनाते हो, मैं मान लेता हूं एक घर का एग्जाम्पल देता हूं, एक घर का एग्जाम्पल, तो एक घर बनाने के लिए ईंट जो होता है ऐसे आप लोग करते हो, बोलो? यस सर।
यानी कि एक रेगुलर पैटर्न है, ये बताओ एक रेगुलर पैटर्न है कि नहीं है। तो ये बताओ कि ये क्या हुआ, एमॉर्फस हुआ या फिर क्रिस्टलीन हुआ? क्रिस्टलीन है। तो इसका रेंज आप लोग कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या आप एक ईंट यहाँ पे रख दो, एक ईंट यहाँ पे रख दो, एक ईंट यहाँ पे रख दो, ऐसे एक ईंट यहाँ पे रख दो, उल्टा सीधा रख दो, तो क्या आप इससे बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो? नो सर। तो ये शॉर्ट रेंज हुआ ना, बिल्कुल। अब क्लियर है? ठीक है। कुछ कुछ चीजें अपने मन से थोड़ा सा समझ लेना, हर एक चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बताना। ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड तक हो गया। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग के लिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये सेम वही चीज है जो मैंने प्रॉपर्टी बताया। अगर हम शेप की बात करें, शेप का, तो जो क्रिस्टलीन होता है उसका एक डिफिनिट शेप होता है और रेगुलर ज्योमेट्री होता है। और एमॉर्फस पर क्या डिफिनिट ज्योमेट्री होता है क्या? नहीं होता नो है। सर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी डेफिनेट यानी कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करें हीट ऑफ फ्यूजन का, हीट ऑफ फ्यूजन का नाम सुना है क्या आपने? बोलो। तो देखो ये हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन, और इसके पास मतलब डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी कि अगर आप इसको जलाओगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी क्रिस्टलीन वाले को। लेकिन आप एमॉर्फस को जलाओगे तो इसमें क्या फिक्स अमाउंट ऑफ नहीं निकलेगी? क्या नहीं निकलेगी? आपको पता ही नहीं चलेगा ज्यादा निकली कम निकली क्या हुआ। जो ये होता है क्रिस्टलीन होता है, ये रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि ये बहुत ही हार्ड होता है और इसको हम दबा नहीं सकते, यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जो एमॉर्फस होता है ये कंप्रेसिबल होता है, जैसे कि हमने प्लास्टिक रबड़ यही सब सुना था ना, हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं टू एनी एप्रिसिबल एक्सटेंट। कटिंग विथ अ शार्प एज, यानी कि अगर हम उसको काटते हैं तो कैसा होता है, दे आर गिवन क्लीवेज, दे ब्रेक इन टू टू पीसेस विथ प्लेन सर्फेस। जैसे मानो हमारे पास ये मान लो कि क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड है, क्रिस्टलीन सॉलिड है, और ये क्या है, एमॉर्फस वाला है, ये एमॉर्फस वाला है। तो हम क्रिस्टलीन वाले को ना एकदम आसानी से शार्प काट सकते हैं ऐसे, लेकिन एमॉर्फस वाले को हम क्या कर सकते हैं, शार्प नहीं काट सकते। जैसे कि बताओ हमारे पास मानो केक है, केक को हम एकदम आसानी से शार्प काट सकते हैं चक्कू से। क्या आप बताओ क्या आप पत्थर को ऐसे काट सकते हो क्या, या फिर प्लास्टिक वगैरह को? तो शार्प करने का क्या मतलब हुआ, एकदम आसानी से कट जाए, मतलब कि अगर आप लोग काटो ना तो एकदम प्लेन कटे, उल्टा सीधा ना कटे। समझ रहे हो मेरी बातों को? क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे देखो। आगे ये कुछ एग्जांपल है इसके, ध्यान दो। इसके एग्जांपल में मैं एक चीज मैं बताता हूँ कि जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड आर पॉजिटिव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? यस सर। कहाँ होता है यार शार्प मेल्टिंग पॉइंट? क्रिस्टलीन का होता है। अंडरगोज क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विथ नाइफ। क्या होता है क्या ये? नो सर, ये भी नहीं होगा। नहीं होता है। डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विथ नाइफ, ये वाला होता है। यस सर। ऑर्डरली अरेंजमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक जाओगे तो एक थोड़ा सा ऑर्डर में चला जाएगा, बहुत ही बड़ा लेके जाओगे तो। क्लियर है बातें? तो सिंपल सी बात रखो, ये क्लियर सही से कटता नहीं है, समझ गए? अब देखो हमारे पास जो ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कोवेलेंट सॉलिड होता है। ये थोड़ा सा याद करने वाला, याद कर लेना। क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड होता है, ठीक है क्या? ये अभी मत पढ़ो, पता नहीं चलेगा आप लोग को। आओ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हम किसी सॉलिड को पढ़ने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इतना बड़ा घर है, एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। घर भी तो एक सॉलिड है ना, बताओ। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये घर है, तो हम घर पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे? हम घर पढ़ने के लिए इस घर के बारे में मैप बनाएंगे, फिर हम ईंट लाएंगे, रेत लाएंगे और सीमेंट लाएंगे।
आप बताओ हम ईंट को ऐसे ऐसे जोड़े तो क्या एक घर बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ईंट ही जोड़ के हम लोग बनाते हैं। तो जो ईंट होता है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्या बनता है? घर बनता है, यानी कि एक स्पेस लैटिस बनता है। हम सॉलिड के टर्म में बता रहे हैं, सॉलिड, अब हम सॉलिड वाला टर्म यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। अब देखो, अब हम लोग स्पेस लैटिस जिससे मिलके बना होता है, मानो ईंट से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ईंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट, यूनिट सेल। अब आप लोग ये बताओ कि मानो कि हमारा ये पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी है, तो सबसे पहले सेल, सेल से मिलके क्या बनते हैं बताओ? टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके पूरा बॉडी। सबसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। आप अगर हम सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, इसका मतलब कि हम बॉडी के बारे में पढ़ना सीख गए। सेल किससे मिलके बना होता है, सेल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, क्लियर है बातें? कितने लोगों ने सॉलिड स्टेट पहले से पढ़ रखा है? कोई ऐसा है कहीं से भी पढ़ा है? कहां से पढ़े हो अविनाश, सरस्वती कहां से पढ़े हो आप लोग? वर्षा क्या? खुद से। तो ये समझ आ रहा है, कुछ ऐसा ही है ना, कुछ अलग तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। ये मेरा क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिनेशन है, आप लोग पढ़ लेना इसको, पढ़ लेना। अब देखो, अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। जैसे कि मैंने क्या बोला, यूनिट सेल को मैं बना लेता हूं, एक मैं एक यूनिट सेल को बना लेता हूं। क्या ये बन गया क्या यूनिट सेल 3D में? Yes, sir. मैं इसको आगे अगर बढ़ाऊं, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान देना आप लोग, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया क्या यार? एक मिनट रुक जाओ। जस्ट मैंने लग रहा थोड़ा सा गलत बना दिया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पे ऐसे करेंगे। हाँ, अब देखो, ये दो यूनिट सेल हो गया क्या? दो यूनिट सेल हो गया। एक यूनिट सेल तो ये वाला है, ध्यान दो, और दूसरा यूनिट सेल ये वाला है। तो हमने दो यूनिट सेल पढ़ ली, बना लिया। अगर इसी तरीके से हम 5-6 यूनिट सेल बना लें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। और एक डब्बे को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब देखो, यूनिट सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। यूनिट सेल की क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टी होती है। हम लोग पूरा का पूरा इसमें क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बना लिया? ये यूनिट सेल मैंने बना लिया, ध्यान दो, यूनिट सेल। अब देखो, यूनिट सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप लोग लूडो का पासा देखे हो क्या सभी कोई? Yes. समझो कि यूनिट सेल लूडो का पासा जैसे है, लूडो का पासा जैसे है। तो देखो, जो ये जो साइड का फेस होता है ना, फेस, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। तो टोटल ऐसे कितने होंगे लूडो के पासे में? कितने होते हैं बोलो? छह होते हैं। छह टोटल क्या होंगे? पासे हो जाएंगे, यानी कि फेस हो जाएंगे। अब जो ये लाइन होती है ना, कॉर्नर, ये कॉर्नर वाली लाइन, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 टोटल कितने एज हो जाएंगे आपको? 12। अब बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर।
तो कॉर्नर टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 8 हो जाएंगे। ये बातें सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हम अभी कुछ बेसिक्स बातें बता रहे हैं आप लोग को, कॉर्नर टोटल 8 हो जाएंगे। अब ध्यान दो, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक यूनिट सेल के एक फेस को बना रहे हैं, एक फेस को। सबसे बड़ी बात है, मैंने एक फेस को बना दिया तो फेस का ये वाला लाइन क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है, बोलो। यस सर। और ये वाला कॉर्नर बोला जाता है, बोलो। यस सर। दो मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो क्या बोली जाएगी, फेस डायगोनल। फेस के डायगोनल पे जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। समझ गए आप लोग? बोलो। समझ गए। अब देखो, मान लो कि ये यूनिट सेल है, फेस डायगोनल आपने उसको बोल दिया। मान लो कि ये यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का ये वाला कॉर्नर ले लो और ये वाला कॉर्नर ले लो। जब दोनों को मिलाओगे तो ये जो हमारा यूनिट सेल वाला जो बॉडी है क्या उसके अंदर से जाएगा क्या, ध्यान से देखना आप लोग। ये वाला देखो, जैसे कि ये वाला ले लो कॉर्नर और ये वाला ले लो, तो क्या इस बॉडी के पूरे अंदर से जाएगा क्या? तो हम इसको क्या बोल देंगे, बॉडी डायगोनल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। अब देखो, फेस डायगोनल टोटल कितने होते हैं? अरे यार आप बताओ, टोटल कितने फेस होते हैं ये बताओ। तो एक फेस पे क्या दो फेस डायगोनल हो सकता है क्या, एक फेस तो टोटल कितने फेस डायगोनल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ऐसे ही ये टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे, 4। समझ गए आप लोग? कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ पहले ये बताओ, कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। अब देखो, इसके साइड से डिस्टर्बेंस आ रहा, प्लीज प्लीज अनम्यूट कर लो यार, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सॉरी। अब देखो, मैं एक और बना रहा हूं, क्या यूनिट सेल बना रहा हूं। मैं सबसे पहले आप लोग को टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, यूनिट सेल मैं एक और बना रहा हूं। अब देखो, मैंने क्या बोला कि आप इस वाले को इससे मिला दो, एक ऐसे लाइन बन जाएगी, और इस वाले को इससे मिला दो तो कैसे लाइन बन जाएगी, आप बताओ। ये सब के सब फेस डायगोनल है या फिर बॉडी डायगोनल है? बॉडी डायगोनल। सब के सब बॉडी डायगोनल है। तो जो बॉडी डायगोनल एक दूसरे पे कट करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं। यानी कि दो बॉडी डायगोनल एक दूसरे पे जब कट करेगी ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। और टोटल बॉडी सेंटर कितने होते हैं? कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब आपने फेस सीख लिया, एज सीख लिया, अब इंटरफेसियल एंगल सीख लेते हैं। इंटरफेसियल एंगल किसे कहते हैं? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना, बोरिंग हो रहा है, कोई है ऐसा, या फिर लग रहा हो कि ओवर हो रहा है? सीखना पड़ेगा यार, सीखना पड़ेगा, ये टर्म आपको सीखने पड़ेंगे। देखो, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेसियल एंगल। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, फिर से वही यूनिट सेल बना लिया। हम लोग इतना मान के चलो, आप लोग यूनिट सेल ही पढ़ना है इस चैप्टर में। हमने फिर से एक यूनिट सेल बना लिया, इंटरफेसियल एंगल किसको बोलते हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि हम इसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब इसको हमने टारगेट किया। तो देखो, ये जाहिर सी बात है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको लेंथ क्या बोल दोगे, आप इसको ए लेंथ बोल दो। ये बी वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको लेंथ क्या बोल दोगे, बी बोल दो। और ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको लेंथ क्या बोल दोगे आप लोग, सी बोल दो, सी बोल दो। ऐसे ही सबके साथ होगा कुछ ना कुछ, बोलो, एक्स वाई जेड सबके साथ है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये ए और सी के बीच एंगल बना, इसको अल्फा मान लो, बी और सी के बीच एंगल बना, इसको बीटा मान लो, और बी और ए के बीच एंगल बना, इसको क्या मान लो आप लोग, गामा मान लो। समझ गए आप लोग? समझ गए। तो होता क्या है, इस तरीके से यूनिट सेल भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तरीके को होते हैं, यूनिट सेल भी बहुत ज्यादा तरीके को होते हैं। आओ देखते हैं यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं, यूनिट सेल कितने तरीके के। पहले मैं एक बार और आप लोग को ये बता दूं कि इसको आप लोग एक्स मान लिए। मान लेते हैं यूनिट सेल कई तरीके के होते हैं। मान लेते हैं किसी यूनिट सेल में जो ये लेंथ है ए,
बराबर बी बराबर सी, यानी कि क्या पता तीनों के तीनों बराबर हो किसी यूनिट सेल में, लेकिन किसी यूनिट सेल में क्या पता ये दो ही बराबर हो, तीसरा बराबर न हो। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन क्या पता किसी यूनिट सेल में तीनों बराबर ना हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? Yes, sir, हो सकती। मान लेते हैं यूनिट सेल में ये तीनों के तीनों एंगल बराबर हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, क्या पता तीनों के तीनों एंगल बराबर हो। आज जब ये तीनों के तीनों बराबर होंगे तो मान लेते हैं 90-90 पे होंगे कुछ ना कुछ पे, लेकिन किसी किसी में मान लेते हैं कि अल्फा जो बराबर नहीं है बीटा के और गामा के बराबर है, लेकिन क्या पता किसी में तीनों बराबर ना हो। इस तरीके से हमारे पास यूनिट सेल क्या हो गए, कई तरीके को गए। मान लेते हैं एक मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि मान लेते हैं किसी में अल्फा बराबर नहीं है। देखो मैं सबसे पहले यूनिट सेल बनाता हूं, मैं एक थोड़ा सा मैं एंगल करके बनाता हूं, ये एंगल करके देखो, ये मैंने बना दिया कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, और ये मैंने बना दिया कुछ ऐसे कुछ ऐसे। आप लोग बताओ क्या आपको लग रहा है क्या ये थोड़ा सा झुका हुआ है? बोलो। देखो झुका हुआ यानी कि स्लोप वाला लग रहा है, तो आप बताओ इसमें सब के सब क्या है एकदम सीधे सीधे थे, तो इनके में तीनों एंगल लगभग बराबर थे, तो क्या झुका हुआ है क्या एंगल कम नहीं हो जाएगा? या फिर आप बताओ इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्या पता किसी की हाइट बड़ी हो तो वो भी ए बी सी भी बराबर नहीं होंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे पास यूनिट सेल होता है ना वो कई तरीके के होते हैं। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, ये सब वही मैंने बताया ये सब। यूनिट सेल क्या होते हैं? कई तरीके के होते हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे देखो हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, एक टेट्रागोनल है, एक ऑर्थोरोम्बिक है, एक रोम्बिक है, रोम्बिक हेड्रल है, इसी को हम लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं, एक हेक्सागोनल है, एक मोनोक्लिनिक है और एक ट्राइक्लिनिक है। टोटल ऐसे कितने हैं? सात हैं, सात। अब देखो क्यूबिक का क्या मतलब है, क्यूबिक का मतलब ये क्यूब जैसे होगा। कैसे होगा? क्यूब जैसे होगा, क्यूब जैसे होगा। ये देखो हेक्सागोनल का क्या मतलब होता है, हेक्सागोनल का यह हेक्सागन जैसे होगा। ये यूनिट सेल कैसे होगा? हेक्सागन जैसे, मैं बनाता हूं, हेक्सागन जैसे होगा। जैसे कि देखो कुछ ऐसे होगा, ये क्या ये हेक्सागन जैसे दिख रहा है क्या, बताओ आप लोग? यस सर। ऐसे आप लोग बनाओगे तो ऊपर भी हेक्सागन नीचे भी हेक्सागन है, दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे यूनिट सेल क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं। अब देखो जब ये क्यूबिक होगा तो क्यूबिक में भी जो यूनिट सेल पाया जाता है वो कई तरीके का पाया जाता है, तीन तरीके का। टेट्रागोनल में दो तरीके का पाया जाता है, ऑर्थोरोम्बिक में चार तरीके का। ऐसे ही हमारे पास जो टोटल क्रिस्टल सिस्टम है वो सात होते हैं और जो यूनिट सेल होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं। ध्यान दो, इन 3D 14 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड एंड दीज आर आल्सो नोन एज 14 ब्रेवियस लेटिस। किसी को कोई प्रॉब्लम, हमारे पास कोई पूछे कि क्रिस्टल सिस्टम कितने तरीके के पाए जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? सेवन। लेकिन कोई बोले कि ब्रेविस लैटिस कितने तरीके का पाया जाता है, यानी यूनिट सेल कितने तरीके का पाया जाता है, 14। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लेना यार। देखो अब देखो जो यूनिट सेल का टाइप होता है ना वो फिलहाल चार तरीके का होता है, चार तरीके का। देखो पहला क्या है, सिंपल या फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल या फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट सेल बनाता हूँ आप लोग के लिए। दूसरा क्या है, मैं इसको कट कॉपी करता हूँ और दूसरे पेज पे लिखता हूँ। ये दिख रहा है आप लोग को, पढ़ लोगे आप लोग इसको, पढ़ लोगे। तो जो सबसे पहले मैं क्या बना ले रहा हूँ, यूनिट सेल बना ले रहा हूँ, एक यूनिट सेल बना ले रहा हूं मैं, ताकि आप लोग को इजी हो। बन गया क्या ये यूनिट सेल, ये बताओ? यस सर।
इसको भी मैं क्या कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आगे यूज कर सकूं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, होता है सिंपल या फिर प्रिमिटिव टाइप यूनिसेल। मान लेते हैं कि ये किसका यूनिट सेल है, ये NaCl का यूनिट सेल है। आप बताओ हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी सेल से मिलकर बना होता है। जब सेल से मिलकर बना होता है तो कुछ ना कुछ उसका यूनिट सेल होगा। तो यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, मान लेते हैं NaCl का यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में NaCl कैसे बैठे होते हैं, ध्यान देना। तो इसमें जो एटम बैठे होते हैं ना प्रिमिटिव या फिर सिंपल वाले में, क्या होते हैं, 8 कॉर्नर पे बैठे होते हैं। कहां बैठे होते हैं, 8 कॉर्नर पे बैठे होते हैं। क्लियर है सबको? प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल में कहां बैठे होते हैं एटम, कॉर्नर पे बैठे होते हैं। समझ गए आप लोग? समझ गए, यानी कि सिंपल सी बात, देखो सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट, यानी कि पहले का एग्जांपल है, कहां पे सब बैठे होते हैं, कॉर्नर पे बैठे होते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ना सब के सब एटम क्या होते हैं, कॉर्नर पे तो बैठे ही होते हैं, कॉर्नर पे तो बैठे ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहां पे बैठे होते हैं, बॉडी डायगोनल में भी बैठे होते हैं, यानी बॉडी के सेंटर में भी बैठे होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो बॉडी डायगोनल का जहां पे कट ऑफ पॉइंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। मान लो कि एक फुटबॉल है, और फुटबॉल के एकदम बीचों बीच में रखोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी सेंटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में क्या होता है, सब के सब एटम कॉर्नर पे तो बैठे ही होते हैं, लेकिन साथ साथ कहां पे बैठे होते हैं, ये सभी फेस पे भी बैठे होते हैं। आप बताओ टोटल कितने फेस हैं? छह फेस है, तो छह फेस पे भी बैठे होंगे। ये क्लियर है बातें सबको? यस सर, सबको बातें क्लियर है? बिल्कुल। तो ये फेस पे भी बैठे होते हैं, आप लोग बस इमेजिन करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। अब एक आता है इंडसेंटर्ड यूनिट सेल। क्या आता है? इंडसेंटर्ड यूनिट सेल। इसको भी हम बना लेते हैं, इंडसेंटर्ड यूनिट सेल। इंडसेंटर्ड यूनिट सेल बना लेते हैं। तो इंडसेंटर्ड में क्या होता है, सब के सब क्या होते हैं, एटम कॉर्नर पे तो बैठे ही होते हैं, कहां बैठे होते हैं, कॉर्नर पे तो बैठे ही होते हैं, लेकिन किसी दो फेस को ले लो, किसी दो फेस के अपोजिट अपोजिट साइड पे रहते हैं, बाकी सब फेस पे नहीं। बाकी चार फेस तो हमारा खाली हुआ ना, बस दो ही फेस को तो अपोजिट पे है ना, बताओ। यस सर। तो ये कितने लोगों को क्लियर हो गया? ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल, ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल। कितने लोगों को क्लियर हो गया, जितने लोग पहले नहीं पढ़े थे ये बताओ, जितने लोग पहले नहीं पढ़े थे कितने लोगों को क्लियर हो गया? सबको क्लियर है बातें? किसी को ओवर तो नहीं हो रहा है ना, बताओ किसी को ओवर हो रहा तो? क्लियर है, अच्छी बात है। एक बार मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज लगा दूं यार, होल्ड पे रहना आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फेस सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फेस सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बताओ कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा? हाँ जी बताओ, बताओ सरस्वती बताओ। कॉर्नर प्लस में फेसेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ कि क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? और भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने देख लिया। अब देखो जो सिंपल क्यूबिक होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस सी। जो बॉडी सेंटर्ड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी सी सी। और जो फेस सेंटर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एफ सी सी, एफ सी सी। आगे देखो, आगे देखो, अब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन
देखो मतलब क्या है कि आप बताओ कि जैसे क्या है, हमारे पास ये मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल के मैं सेंटर में एक छोटा सा गेंद रख देता हूं, ये फुटबॉल कितने गेंद को अपने अंदर ले लिया ये बताओ, एक गेंद को लिया। अगर मान लेते हैं कि ये यूनिट सेल के एटम क्या है, यूनिट सेल के कहां पे है, कॉर्नर पर है, तो आप बताओ अगर कॉर्नर पे होगा ये इसका कुछ ही पार्ट तो यूनिट सेल के अंदर गया ना, पूरा का पूरा पार्ट तो गया नहीं, पूरा का पूरा पार्ट गया नहीं। मान लो कि यहाँ पे दूसरा कोई यूनिट सेल है, दूसरा कोई यूनिट सेल इसके पास भी तो कुछ आएगा ना, कोई तीसरा यूनिट सेल है इसके पास भी तो कुछ आएगा ना, बोलो इसका इसका शेयरिंग। तो एक यूनिट सेल कितना शेयर लेता है अगर उसका एटम कॉर्नर पे होता है, तो जब एटम कॉर्नर पे होते हैं ना, मान लेते हैं कि एक एटम क्या है कॉर्नर पे है, एक एटम क्या है कॉर्नर पर है, तो इस एटम का आठवां हिस्सा यानी एट्थ पार्ट क्या होता है, इस वाले यूनिट सेल के पास होता है। इसका मतलब इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में, 1/8। क्लियर है सबको, क्लियर है। अब जो फेस पे होता है, मान लेते हैं जो फेस पे होता है, फेस पे तो फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, मान लेते हैं कि देखो ये फेस एक ये वाला फेस इस पे आ गया और एक इस वाले फेस पे आ गया, यानी कि दोनों के पास आधा आधा गया क्या एटम, ये हाफ हाफ गया क्या एटम गया। तो जो फेस पे होते हैं ना उस पे क्या होता है, 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखो अब एक बात आती है एज की, एज को क्या बोलते हैं हम लोग, ये मैंने अभी आप लोग को बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। अगर इस लाइन पे कोई एक एटम है तो वो 1/4 क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन आप बताओ कोई बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में, तो वो तो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा अपना, पूरा करेगा इस यूनिट सेल में, पूरा का पूरा अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये, मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं फेस सेंटर, मान लेते हैं कि हम एक दो यहाँ पे यूनिट सेल मैंने बना दिया, एक यूनिट सेल ये है, और दूसरा यूनिट सेल ये है, देखिए क्या क्या दो यूनिट सेल आपको। अब देखो मान लेते हैं कि एक ये वाला फेस है, क्या है ये वाला फेस आप लोग को दिख रहा है जो मैंने व्हाइट से शेड किया है। अब देखो इस पे अगर कोई एक एटम होगा तो हाफ एटम इसके हिस्से में आएगा, इस वाले फेस के हिस्से में आएगा, फेस यानी कि इस वाले फर्स्ट वाले यूनिट सेल के हिस्से में आएगा, और दूसरा इसका हाफ एटम किसके हिस्से में आएगा, बोलो, नहीं क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ क्या किसी को, हो गया। मैं एक मिनट मैं कोई एक इमेज देख के बनाता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थ्री डी कॉन्ट्रीब्यूशन, रुक जाओ, जस्ट एक मिनट बच्चों, कॉपी इमेज, और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग ये बताओ कि ये एक यूनिट सेल है, तो इसमें कितने यूनिट सेल है टोटल, दो यूनिट, ये और एक ये है। हमने इसके फेस पे क्या रखा, एक एटम रखा, एटम जाहिर सी बात है गोल ही होगा, जब एटम रखा तो आधा एटम इसके हिस्से में आया और आधा एटम इसके हिस्से में आया, दिख रहा है क्या, यस सर, यही तो मैं बोलना चाहता था ना। आप बताओ इसमें टोटल कितने यूनिट सेल है इस वाले में, एक ये तीन चार और एक पांच छ सात और आठ, टोटल आठ यूनिट सेल है ना, आठ यूनिट सेल है। इसके कॉर्नर पे एक एटम रखा गया, क्या ये आठों के पास जा रहा है क्या, yes, sir. जा रहा है, तो एक yes, के पास sir. कितना आएगा, 1/8 आएगा क्या, yes, sir. समझ गए आप लोग,
कैसे हो रहा है, समझ ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अभी भी बताओ, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, या फिर कर लिए, समझ गए आप लोग कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, अभी छोड़ो। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक होता है, एक टोटल हमारे पास यूनिट सेल में किसी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किसी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ध्यान दो। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं, बोलो। यस सर। सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं, और एक एटम कितना कंट्रीब्यूशन देता है, एक एटम 1/8 देता है, तो टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1/8, यानी एक एटम का कंट्रीब्यूशन हुआ क्या, फुल्ली फुल, बोलो। यस सर। एक कॉर्नर वाला एटम 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर हैं, तो टोटल 1 एटम का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फुल फुल, कोई बात नहीं। अगर बात करें बॉडी सेंटर्ड की, अगर मान लो कि बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड में सबसे पहले तो कॉर्नर पे एटम होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एटम होते हैं, इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसका कंट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग जेड बोलते हैं, इसी को हम लोग जेड बोलते हैं। देखो, जो कॉर्नर पे है वो तो 8 है टोटल एटम, और एक जो एटम होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, तो कॉर्नर वाला तो 1 कंट्रीब्यूशन देगा, ये तो फिक्स है, लेकिन जो बॉडी के सेंटर वाला, ये फुल्ली फुल 1 कंट्रीब्यूशन देगा, यानी टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो गया बीसीसी में, 2 हो गया। ये क्लियर है सबको, क्लियर है। आते हैं अब हम लोग फेस सेंटर में, किस में आते हैं, फेस सेंटर में। अब देखो, फेस सेंटर में क्या होता है, सबके सब कॉर्नर पे होते हैं, और बाकी से 6 अलग अलग फेस पे भी होते हैं, आमने सामने फेस पे भी होते हैं, तो जो कॉर्नर वाला टोटल 8 एटम है, और एक एटम 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, तो एक तो इसका हो गया, और टोटल 6 फेस पे है, और एक फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि आधा आधा का कंट्रीब्यूशन देता है, ये 3 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, यानी 4 एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में 4 एटम का कंट्रीब्यूशन है। यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। सभी कोई बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। क्या मैं यहाँ तक छोड़ दूँ, या फिर आप लोग यहाँ तक पढ़ोगे आप लोग, क्या एटॉमिक रेडियस भी बता दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मान लेते हैं कि 2 एटम है, ऐसे है और ऐसे है, इन एटम का रेडियस क्या होता है, हम क्या करते हैं, ध्यान दो, हम क्या करते हैं, इनका न्यूक्लियस को पकड़ते हैं और इनके न्यूक्लियस को पकड़ते हैं, दोनों के बीच हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस एटम का रेडियस r होगा, इस एटम का भी रेडियस क्या होगा, r होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी कि हम इन दोनों की लंबाई को क्या बोल दिए, a बोल दिए, तो आप a बाई 2 करोगे तो क्या एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा, क्या बोलो, यस सर, दोनों का बराबर निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल क्यूबिक का जो एटॉमिक रेडियस है वो 1/2 है, फेस सेंटर का जो एटॉमिक रेडियस है वो a बाई रूट 2 है, और बॉडी सेंटर का जो एटॉमिक रेडियस है वो 1/√2 है। आओ इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा। देखो, ये पूछ रहा है कि अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए और बी, किसी ए और बी से क्या होता है, एक कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ध्यान दो, हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या बनाते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यूबिक बनाते हैं, इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जो ए एटम है वो कहां पे है, कॉर्नर पे, हम ए एटम को व्हाइट से दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, कॉर्नर पर है ए एटम, कहां पे है, कॉर्नर पे है, और जो बी एटम कहां पे है, फेस फेस पर है, फेस पर है, बी एटम सभी के सभी कहां है, फेस पर है। तो पूछ रहा है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड, कंपाउंड के लिए हमें फॉर्मूला बताना है, तो आप बताओ, जो ए एटम कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पे टोटल कितने एटम, 8 एटम, और हर एक एटम 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बी का देखो, बी कहां पर है, फेस पर है, टोटल कितने फेस, 6 फेस, और हर एक फेस कितना कंट्रीब्यूशन, 1/2,
तो बी का बी टोटल कितना हो गया, तीन हो गया, जो हमारा फॉर्मूला आएगा ए बी थ्री आएगा, समझ गए क्या? यस सर। ये बातें सबको क्लियर है? yes, सभी कोई बताओ, हैंड रेज करो सभी कोई, सबको क्लियर है क्या ये बातें? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन करना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं दूसरा भी बता दूं? यस सर, बता देता हूं क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, एक सॉलिड दिया हुआ है यानी एक कंपाउंड है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक्स से और वाई से। एटम वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मानो कि ये क्यूब हमने बना लिया, वाई कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मैं वाई को इससे बना रहा हूं, वाई कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्स कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, यानी एक्स यानी कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, जब वाई कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो टोटल आठ कॉर्नर और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो वाई की वैल्यू क्या, 1। एक्स की बात करें, एक्स जो हमारा है बॉडी के सेंटर में, अब बॉडी के सेंटर में सिंपल सी बात है एक ही एटम होता है तो एक ही कंट्रीब्यूशन है, यानी एक्स की भी वैल्यू 1, वाई की भी वैल्यू 1, तो जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स वाई। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। इतना मैं करके छोड़ दूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप लोग के क्या होगा, सर के ऊपर से बाहर जाने लगेगा। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अगर आप लोग पूरा पढ़, सभी कोई पढ़ चुका होता ना, तो मैं एक ही दिन में फिनिश कर देता मैक्सिमम पार्ट। सर एक बार रेडियस वाला बता दो। रेडियस वाला, ठीक है, रेडियस देखो यार, रेडियस के लिए ना थोड़ा लंबा कहानी है, बॉडी डायगोनल के लिए अलग रेडियस होगा, फेस के वाले के लिए अलग रेडियस होगा, और एज वाले के लिए अलग रेडियस होगा, इसलिए हम अभी बता नहीं रहे, ठीक है क्या? बोलो, क्लियर है बातें? अरे बोलो यार। यस सर। हाँ, तो आप ये सॉल्व करना, रुको मैं एक बार इसका पीपीटी आप लोग को भेज देता हूँ, पीपीटी क्या करता हूँ भेज देता हूँ, क्वेश्चन की भी पीपीटी भेज देना, क्वेश्चंस की भी भेज दूँ सर, जितना पढ़ाया उसी के बेसिस पे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस का भी भेज देता हूँ, एक मिनट को, आप लोग का, आप लोग का ग्रुप नंबर क्या है, सॉरी, नर्सिंग, नर्सिंग बैच, हाँ एक मिनट को बच्चे, एक मिनट को,